दीवान के गौशाला में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह का नेतृत्व श्याम नंगालिया ने किया। इस मौके पर भोजपुरी के कलाकार विकास भोजपुरिया द्वारा होली मिलन समारोह के मौके पर ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया कि लोग थिरकने पर मजबूर हो गए। वहीं इस होली मिलन समारोह में सिवान के वैश्य समुदाय से अच्छी खासी लोगों की भीड़ जमी हुई थी। जिनको लोकगीत हो और डांस ना हो उनके मुखारविंद से होंगे और इनके तमाम गीतों को डांस के माध्यम से दो मिनट तक नए होली मिलन समारोह ये खुशियों का त्यौहार है, आपस में मिलन का समारोह है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन हर साल इसको करती है, इसलिए इस बार हर साल की भांति इस साल भी हम इसको मना रहे हैं, इसलिए होली के बाद मनाते हैं। क्योंकि होली में सभी व्यवसायिकों का व्यवसाय चलता है, दुकान से नहीं मिल पाती है, इसलिए इसको हम होली के बाद ही रखते हैं। और बड़ी धूमधाम उत्साह से सबको मिलाकर, सबको एक साथ लेकर आज होली मिलन का समारोह है। आज दुश्मन को भी हम गले मिलाते हैं और सभी को मिलाकर हम आज होली मिलन समारोह आज हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि होली मिलन समारोह के माध्यम हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि होली खुशियों का त्यौहार है और होली मिलन का त्यौहार है। आज के दिन हम दुश्मन को भी गले मिलाते हैं और मिलाकर खुशी का इजहार करते हैं। सिवान के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, सद्भावना के साथ रहे और खुशियों के साथ अपने त्यौहार को मनाएं। ये भाईचारे का त्यौहार है, सबको मिलाकर आपस में एक दूसरे से गेट टुगेदर होते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हम गले से गले पुरानी गलतियों को छोड़े नया हम अपने के साथ नाम श्याम सुंदर नारायण।